हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक डिसीजन आया है जो कि हर एक मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बड़ा डिसीजन और काफ़ी गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए यहाँ पे ये है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई थी MCC की काउंसलिंग के राउंड्स के रिगार्डिंग। देखिए, होता क्या था कि MCC के पहले जो दो राउंड होते थे काउंसलिंग के, उसके बाद जितनी वैकेंट सीट होती थी वो सारी की सारी वैकेंट सीट जो है वो स्टेट को वापस कर दी जाती थी, और यहाँ पर जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स होते थे उन डिज़र्विंग कैंडिडेट्स को सीट्स नहीं मिल पाती थी, क्योंकि कई जगह क्या होता था कि स्टेट की काउंसलिंग के जो कट ऑफ हैं वो MCC काउंसलिंग से काफ़ी ज़्यादा जाते थे। और जब तक यहाँ पे स्टेट में होता क्या था कि काफ़ी ज़्यादा लो नंबर पे या फिर हाई नंबर का जो कट ऑफ जाता था, जैसे कि राजस्थान अलग अलग स्टेट हुए, तो यहाँ पर सीटें पहले से ही फिल हो जाती थी, और जो रिबर्ट बैक सीटें जो बाद में दी जाती थी, जो कम सीटें थी जिसको डिज़र्विंग कैंडिडेट्स ले सकते थे लेकिन उनको नहीं मिलती थी। तो यहाँ पे एक जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहाँ पे फैसला सुनाया गया, और ये काफ़ी गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि MCC को अब यहाँ पे जो है टोटल 4 राउंड जो है वो यहाँ पे कंडक्ट कराने पड़ेंगे काउंसलिंग के, जिसमें अगर बात करें यहाँ पे फर्स्ट राउंड होगा, फिर आपका सेकेंड राउंड होगा, फिर आपका थर्ड मॉपअप राउंड होगा, और उसके बाद आपके चौथे नंबर पर जो राउंड होगा उसका राउंड कहेंगे स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो है वो यहाँ पर कहेंगे। आप यहाँ पे मॉपअप राउंड के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन इन राउंड के लिए करा पाएंगे, और इसके लिए पूरा रिगार्डिंग रूल्स रेगुलेशन जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी पब्लिश कर जाएगी। बस MCC के द्वारा जो एक नोट फाइनल सुप्रीम कोर्ट में अपना जब वो सबमिट किया गया एफिडेविट, उसमें ये सारी डिटेल्स हैं, मैं आपको अपकमिंग वीडियो में वो उसके बारे में बता दूंगा। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है, क्योंकि अब इससे आपको ही बेनिफिट होने वाला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का थैंक्स हमें करना चाहिए, क्योंकि जो स्टूडेंट्स के लिए ऑल इंडिया की काउंसलिंग होती थी उसमें जो रिक्वायरमेंट थी, जो स्टूडेंट्स की डिमांड थी, वो यहाँ पे डिमांड को आखिरकार फुलफिल यहाँ पे किया गया। तो इससे होने वाली इस साल से MCC ऑल इंडिया 15% कोटा में आपको इससे 100% बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। थैंक यू।